इस बैग को बनाने के लिए हम ये जूट का फैब्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आपको किसी भी फर्नीचर स्टोर पे मिल जाएगा। इसे जूट या टाट का फैब्रिक कहा जाता है। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई 17 इंच आ रही है। हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 17 इंच ही लेनी है। यहां से भी हम 17 इंच ही काटेंगे इसको। ये मैं ऑरेंज कलर का फैब्रिक इसकी लाइनिंग देने के लिए यानी इनर लाइनिंग देने के लिए यूज कर रही हूं। ये लेस मैं इस्तेमाल करूंगी इसके ऊपर क्योंकि मैं चाहती हूं ये न्यूट्रल कलर है तो ब्राइट कलर की लेसेस पे अच्छी लगेगी। और इसके साथ में ये थोड़े गोल्डन कलर के ये गोटे वाली टिक्कियां भी लगाऊंगी। सबसे पहले हम कपड़े को, ये जो ऑरेंज वाला फैब्रिक है, इसको हम बिल्कुल जूट के साइज का ही काट लेंगे। बिल्कुल पूरा पूरा साइज का हम इसको काट लेंगे। अच्छे से सेट करके इसको साइड से भी मैं ट्रिम कर दूंगी। अब हम इसके ऊपर वाले हिस्से पर लेस लगाएंगे। थोड़ा सा गैप छोड़ देना है हमने और फिर लेस लगानी है। बेसिकली इस ब्लू लाइन के नीचे नीचे ही लेस रहनी चाहिए। आप ये वाला बैग नॉर्मल कपड़े में भी बना सकते हैं, जैसे जीन्स के कपड़े का भी बना सकते हैं, कैनवस के कपड़े का भी बना सकते हैं या फिर कॉटन में भी बना सकते हैं। तरीका सेम ही रहेगा। इस तरीके से हम ये लेस अच्छे से इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। अब हमें इसको फोल्ड करना है इस तरीके से और दोनों साइड्स हमने सिलाई लगानी है। हमें मार्जिन थोड़ा ज्यादा ही छोड़ना पड़ेगा दोनों साइड क्योंकि ये जूट का कपड़ा बहुत ढीली वीविंग वाला होता है और बहुत जल्दी फ्रे हो जाता है यानी कि फट जाता है साइड से। दोनों साइड हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लग चुकी है। अब ये जो हमने लाइनिंग के लिए कपड़ा काटा था इसको भी हमने इसी तरह से एक थैली बनानी है दोनों तरफ सिलाई लगा के। कपड़े की थैली की चौड़ाई जूट की थैली की चौड़ाई के जितनी ही होनी चाहिए तो इसलिए मैं इसको पहले नाप लेती हूं इसके ऊपर रख के। ये देखिए बिल्कुल हमें पूरी पूरी चौड़ाई रखनी है दोनों की इक्वल। अब हम यहां पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी कपड़े की थैली रेडी हो चुकी है। अब ये जूट वाली थैली को हम पलट के सीधा कर लेंगे पर हमें कपड़े वाली थैली को सीधा नहीं करना है, उसको हम उल्टा ही रहने देंगे। अब ये कपड़े वाली थैली को हम इसी तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और इसका जो ये हमने साइड वाली सिलाई लगाई थी, जूट और कपड़े की थैली वाली साइड वाली जो सिलाई है, इन दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ के प्लेस करना है और इसके टॉप पे सिलाई लगानी है हमें। इसके चारों तरफ इसको सिल के आपस में ज्वाइन कर देना। सिलाई इसकी भी हम फ्लैट कर लेंगे यहां से भी और इसको भी इसी तरीके से ज्वाइन करेंगे। सिलाई के ऊपर सिलाई आ गई है।
ये हमने लाइनिंग को बैग के साथ अटैच कर दिया है। और हमारे बैग का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा हो गया है। अब हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ये वाली लाइनिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। यहां पे सिलाई लगानी है। यहां पे अच्छे से इसको सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहां पे तुरपाई भी कर सकते हैं, पर मैं सिलाई लगा रही हूं, थोड़ा सा क्विक काम कर रही हूं। तुरपाई से फिनिशिंग और ज्यादा अच्छी आती है। ये देखिए हमारे बैग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस पे डेकोरेशन करनी है गोटे की टिकिया लगा के। ये हमारे पास गोटे की टिकिया है, इसकी जगह आप कोई भी डेकोरेटिव पीस लगा सकते हैं, पर्ल्स भी लगा सकते हैं। इसको इस तरीके से मैंने प्लेस किया है और हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं इनको लगा रही हूँ। आप चाहें तो सुई की हेल्प से भी लगा सकते हैं, पर हॉट ग्लू गन बहुत ही क्विक होती है और जल्दी निकलती भी नहीं है। आजकल हॉट ग्लू गन किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती है इजीली, और आप 350 to 600 की रेंज में आपको ये मिल जाती है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये बैग हमारा कंप्लीट है, अब हमें इस पे हैंडल लगाने हैं। तो चलिए हैंडल बना लेते हैं इसके। ये हैंडल बनाने के लिए मैंने लाइनिंग वाला कपड़ा काट लिया है, जो कि 4 इंच चौड़ा और 25 इंच लंबा मैंने काटा है। अब ये बराबर लंबाई की मैंने जूट की एक पट्टी काटी है, जो कि 1.25 इंच चौड़ी है। इस तरीके से हम प्लेस करेंगे इसको कपड़े के ऊपर और दोनों साइड से इसकी पाइपिंग करेंगे इस तरीके से फोल्ड करके। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। आप चाहें तो प्लेन पट्टी भी बना सकते हैं हैंडल बनाने के लिए, पर मैं पट्टी में यानी कि हैंडल में थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस टाइप का डिज़ाइन चूज़ किया है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पाइपिंग कर लेंगे और दोनों हैंडल तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों हैंडल तैयार कर लिए हैं, इनको बराबर लंबाई का हम काट लेंगे। 25 इंच लंबे हैंडल हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको बैग के ऊपर अटैच करेंगे। हैंडल्स को अटैच करने के लिए हम सबसे पहले अपने हैंडल को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और साइड से हम लोग 4 इंच मेजर करेंगे। यहाँ से ये देखिए 4 इंच हम मेजर करेंगे और इसके बाद हम अपना यहाँ पे हैंडल लगाएंगे। ध्यान से देखिए इसको इस तरीके से। अब हम यहाँ पे पिन लगा के इसको एक बार अटैच कर लेते हैं, बाद में पक्की सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से भी हम 4 इंच मेजर कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा हैंडल लग गया। अब हम इसको पक्का करेंगे, उससे पहले पिछली तरफ भी सेम तरीके से हम हैंडल इस पे अटैच कर लेते हैं। अब इस पे पक्की सिलाई लगा लेते हैं।
अच्छे से हम डबल सिलाई कर लेते हैं ताकि कोई हैवी चीज़ भी डालने से इसके हैंडल्स टूटे नहीं। तो ये हमारे हैंडल्स लग चुके हैं। ये देखिए हमारा बैग रेडी है। आप इसको प्रेस कर लें तो और ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी इस पर। ये देखिए हमारा बैग रेडी है। अंदर वाले ये वाले पार्ट पे आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करें। बाय बाय।